ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसल्लिमीन AIMIM द्वारा पटना में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान, हैदराबाद के पूर्व मेयर शाह, बिहार प्रभारी माजिद हुसैन। प्रेस वार्ता में विधानसभा का चुनाव 2020 की चुनाव उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की गई। पहली सूची में 22 जिले के 32 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार जारी किया गया था। दूसरी सूची में 15 विधानसभा क्षेत्र के 18 पर उम्मीदवार की सूची जारी की गई। उन्होंने कहा बीजेपी और जदयू के खिलाफ पार्टी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वहीं NDA सरकार बिहार में होने के बावजूद भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना बिहार की जनता से धोखा है, जिसने बिहार की जनता से धोखा किया है। NDA के सरकार में विकास के नाम पर बिहार में धोखा किया और महागठबंधन किसी वोट को नजदीकी न समझे। अगर हमसे वह मिलना चाहते हैं तो हम भी तैयार हैं। जागरूक और संगठित किया जाए। अब ये NDA विरोधी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वो बिहार की जनता के समक्ष अपने आप को मजबूत विकल्प के रूप में पेश करें। विगत 15 वर्षों में JDU BJP के सरकार ने बिहार को रासातल में पहुंचा दिया है। विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विधि व्यवस्था की हालत बद से बदतर हो गई है। जनता के गाढ़े पसीने की कमाई से राजस्व की बड़ी उगाही के बावजूद बिहार विकास की जगह विनाश से दोचार है। कुछ चिन्हित क्षेत्रों को छोड़कर पूरा बिहार विनाश के घटाटोप अंधेरे में डूबा पड़ा है। नीतीश कुमार के खोखले विकास के दावों का पोल तब खुला जब कोरोना महामारी में लाखों गरीब मजदूर पलायन कर बिहार वापस आए और सरकार ने रोजगार का वादा किया, परंतु आज वही लाखों गरीब मजदूर अपने राज्य में रोजगार से महरूम होकर वापस जा रहे हैं, जहां आज भी कोरोना महामारी का खतरा मौजूद है। दूसरी तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ साथ किसानों की हालत दयनीय हो गई है। उत्तरी बिहार विशेषकर सीमांचल के बाढ़ पीड़ितों विस्थापितों की खबर लेने वाला कोई नहीं है। न्याय के साथ विकास का दावा करने वाली सरकार अकलियतों और दलितों के साथ लगातार नाइंसाफी कर रही है। विकास के मुख्य धारा में जोड़ने के बजाय नीतीश कुमार RSS के एजेंडे के अनुसार 3 तलाक, NRC, NPR, मॉब लिंचिंग, उर्दू भाषा को शिक्षा से अनदेखी करने का अमल करते रहे, जिससे मुस्लिम अल्पसंख्यकों में गहरी नाराजगी है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का सपना दिखाकर नीतीश कुमार ने बिहार की जनता का बार बार वोट दिया है, जबकि केंद्र और राज्य में NDA की सरकार है, फिर भी विशेष राज्य का दर्जा न दिलवा पाना बिहार की जनता के साथ बड़ा धोखा करने का काम नीतीश कुमार ने किया है, जिसका जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता अपने वोट के इस्तेमाल के जरिए से देगी। क्या COVID-19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोस एडुसर्व आपके लिए लाए हैं मी डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। अपने राज्य में ही रहकर बेहतरीन तैयारी करने के लिए मी डिजिटल से जुड़कर अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करें और कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य होने के बाद इसे रेगुलर क्लासरूम में कन्वर्ट कर लें। मी डिजिटल को गूगल प्ले स्टोर से आज ही फ्री डाउनलोड करें। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।